नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं परहार टाइम्स। इस वक्त हम उमरा टोल नाके पे रहे, जहाँ पे ये जो पानी की पाइपलाइन आप देख रहे हैं, वहाँ पे काफी दिनों से यहाँ पे लीकेज है। बहुत सारी शिकायतें यहाँ पे हमें फोन के जरिए मिली है। आइए देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ लीकेज और कितने दिनों से यहाँ पे पानी का लीकेज है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में पानी की किल्लत है, बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे करोड़ों की तादाद में आबादी होने के बावजूद यहाँ पे पानी की हमेशा किल्लत होती है, और ख़ास करके जो अप्रैल और मई के महीने में ही सबसे ज़्यादा पानी की तकलीफ़ लोगों को आती है। और लोग पानी के लिए बूंद बूंद जो गाँव में जो इलाके हैं जहाँ पे लोग एक हंडे के लिए और जिसी तरह पहाड़ों के ऊपर जो रहते हैं वो एक एक हंडे के लेकर पानी के लिए अपने लिए जूझते रहते हैं, उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये पानी जो हज़ारों लीटर कई दिनों से यहाँ पे जाय हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक इसको यहाँ पे ना रिपेयर करने के लिए कोई आया है, ना पानी विभाग का अधिकारी यहाँ पे आया। आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो आसपास में जो कुछ रहने वाले लोग हैं, जो काफ़ी दिनों से ऐसे होटल्स है, उनसे जानते हैं कि कितने दिनों से पानी यहाँ पे जो वेस्ट हो रहा है। बहुत 3-4 साल से कम ज़्यादा, उससे ज़्यादा है कम। कहाँ से ये पानी की पाइपलाइन आई? ये मेरे ख्याल से अपना पिसा डैम, यहाँ से किधर से आया, ये साइड से बम्बई जा रहा है। हाँ, तो इसकी शिकायत ऐसा कोई आया नहीं यहाँ पे? कोई बहुत जन आके गए फोटो निकाल के, और काम पुणे का भी वो कोई आया था, सामान ही अपना प्रेशर मारने का मशीन लाया था, 30-35 किलो शीशा डाला हुआ था अंदर। 30-35 किलो शीशा इसमें डाले? हाँ डाला है। फिर भी पानी बंद नहीं हुआ है? केमिकल और शीशा मिक्स करके डाला है, पानी नहीं बंद हुआ। तो जो वहाँ से जो पानी विभाग के इंजीनियर आए, वो भी पानी बंद नहीं कर सके? नहीं कर सके। कितने सालों से पानी जा रहा है ये? कम से कम तो 4-5 साल, तो उससे ज़्यादा 4 वर्ष झाले पानी खाले जाते हैं। तो कितीतरी योजना अधिकारी येऊन बघोशीने गेले, 2-3 दिवस त्यांनी काम चालू केलं, मग ते काय बंद झालं नाही ते चालू। काय प्रॉब्लेम काय काय माहीत नाही त्याला इंजिनियर? त्या लोकांनाच माहिती आहे काय प्रॉब्लेम आहे त्याचा, ते काम बंद होत नाही काय त्यांच्या त्यांनाच माहिती आहे। इतका पाणी वेस्ट जात आहे? वेस्ट जात आहे कमसे कम हे 3-4-5 मोटर तर पाणीच आहे सरासरी, तर 5 मोटर 4 इंची पाणीच आहे, ते 3 इंच तर सरासरी आहे। रात दिवस 3 इंची पाणी म्हणलं तर किती वेस्ट पाणी आहे। महाराष्ट्रामध्ये पाणी की लई किल्लत आहे? किल्लतच आहे महाराष्ट्रामध्ये, तर कमी जास्त आमच्या गावाला तर टँकरने पाणी पितो आहे आम्हीच, तर आता हे किती रात दिवस पाणी एवढं वेस्ट जात आहे। तकरीबन 4 साल से यहाँ पे वेस्ट जा रहा है, उनका ऐसा कहना है कि इतना पानी वेस्ट होता है, दिन भर में जो पानी जो आता है वो एक गांव पानी अपना इस्तेमाल कर सकता है, इस तरीके का ये हाल है। उन्होंने ये भी बताया कि कई यहाँ पे जो इंजीनियर है पूना वगैरह से भी आए, उन्होंने इसको बंद करने की कोशिश की, उसमें 35 किलो शीशा उन्होंने इसमें केमिकल मिक्स करके लगाया था, लेकिन अभी तक पानी वेस्ट तो बंद नहीं हो सका है, इसी तरह लगातार यहाँ पे पानी जा रहा है। अभी तक यहाँ पे लाखों लीटर पानी पूरी तरीके से जाय हो चुका है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है, ना ही कोई कर्मचारी पानी विभाग का यहाँ पर आया है, और ना ही आम नागरिक ने इसकी शिकायत की है। ये जो पानी की पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये थाना और मुंबई की तरफ जाती है, जिसकी वजह से आगे थाने और मुंबई में रहने वालों को पानी की तकलीफ़, आगे जो अप्रैल और मई का महीना आ रहा है उसमें काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। अब पानी विभाग को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दे और जल्दी इसको रिपेयर करे, ताकि हज़ारों लीटर पानी जो वेस्ट हो रहा है वो बचाया जा सके, और जो पानी की तकलीफ़ जो महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई शहर में होती है वो तकलीफ़ ना हो। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।